पूरे देश की स्थिति खराब है जी और लोग बाग सो रहे हैं। बिल्कुल सही है। लोगों ने वर्तमान स्थिति से एन केन प्रकारण समझौता कर लिया है और घूस देके ये देके वो देके कुछ अपना एन केन प्रकारण अपना काम निकालने की कोशिश लोग बाग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने स्वतंत्रता इसी काम के लिए ली थी क्या, कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून जो आपको न्याय देने के लिए नहीं थे, जो आपको प्रक्रिया में उलझाने के लिए थे, क्या इसी के लिए हमने उसी में फंसे रहे और हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार हो? हमारी कोर्ट दयनीय क्यों है, हमारी पुलिस दयनीय क्यों है, आम आदमी दयनीय क्यों है, और अपराधी जो है वो शेर क्यों बना हुआ है? अपराधी तो स्थिर रहेगा ही सर, जब उसका कुछ होता ही नहीं है अपराधी का तो तो वही मैं कह रहा कब हूं होता है कि आपका। यदि बिना थाने जाए आपका अपराध का पंजीयन हो जाए और थाने जो जाए उसका अपराध का पंजीयन की भी सर्टेनिटी हो, जी जो एफआईआर का कक्ष हो उसके में जो है सीसीटीवी और माइक्रोफोन्स लगे होना चाहिए और उसमें जो बातचीत होती है वो एफआईआर का हिस्सा माना जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उस बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट भी लगाया जाए जो एफआईआर का एक्सटेंडेड हिस्सा माना जाए। जी तो जो एफआईआर थाने के अंदर हो वो भी डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, जो थाने के बाहर हो उसका भी होना चाहिए, और हमें जहां से भी साक्ष्य लाना है। अभी साक्ष्य लाने के लिए पुलिस परेशान होता रहता है, पुलिस को जो है नोटिस दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट पुलिस को दिया ही नहीं जा रहा है, राइट? जी यदि जिसको डॉक्यूमेंट देना है ये उसकी जिम्मेवारी हो कि वो डॉक्यूमेंट को जो है ना नियत समय पे पहुंचाए, ग्राउंड का वेरिफिकेशन करे, शपथ पत्र भी साथ में दे और इसी का उसे भुगतान मिले, उस जिसको जिसको हम रेवेन्यू स्ट्रीम कहते हैं, जिसको हम वेतन कहते हैं, और जितनी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी उसका सम टोटल करके जितना जो है सैलरी बनती है उससे हर व्यक्ति को दुगुना के हम पात्रता देते हैं, और यदि वो उतनी रेवेन्यू स्ट्रीम पैदा नहीं कर पाता है तो उसको उसके डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाए, और तो बताइए सरकार के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपको न्याय मिलेगा। यदि जो है तहसीलदार की ही जिम्मेवारी हो कि जो जो दस्तावेज चाहिए वो उसे लेके कोर्ट में पहुंचे, पुलिस के पास पहुंचे, तो पूरी सिनारियो बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल तो जाएगी सर, लेकिन ये नेता लोग कहाँ करने दे रहे कुछ, न जनता चाहती न नेता अच्छा चाहती, अच्छा तो जनता क्यों नहीं चाहती है? इसलिए नहीं चाहती सर जनता, कि इतना स्वार्थी इंसान हो गया कि उसको केवल अपने व्यक्ति के स्वार्थ के अलावा किसी दूसरे से मतलब ही नहीं। नहीं तो ये नए सिस्टम में उसकी स्वार्थ पूर्ति होगी कि नहीं होगी? होगी होगी और 10 गुनी होगी, और वो जो सोचा है कि मतलब तो वो स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने आप को अच्छा भारत देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए क्यों नहीं जाग रहा है? अब ये समझ नहीं आता सर, क्यों अपन ने, आपने व्यक्तिगत तौर पर सर भोपाल में मेहनत की, जबकि जो है आप तो एक प्रदेश के मालिक रहे सर, वो बात नहीं है, मतलब आप पूरे देश का भला सोच रहे, आपकी सोच बहुत ऊंची है, सोच ऊंची है, विचार अच्छे हैं, सब अच्छा है आपका, आपको कोई लोभ ना लालच ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो केवल जनसेवा की भावना है, देश को अच्छा करने की भावना है आपकी पूरी, कि देश के लोग खुशहाल हो जाए, देश के लोग खुशहाल हो जाए, प्रदेश के नहीं सर, देश के लोग खुशहाल हो जाए, और देश के बाद भारत को भी देखें लोग तो कल के दिन वैसे भी उसी रास्ते पे चल सकता है जो आप रास्ता बता रहे हैं, तो विश्व भी खुशहाल हो जाएगा, देश तो एक अलग बात है, लेकिन सत्य बात तो ये है कि आतंकवादी पैदा हो गए,
नहीं, करने कहाँ दी है वो। मैं उल्टा कह रहा हूं, हम अपने लोगों को क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? सर मानते नहीं लोग, सच बात ये है। जैसे जिसको जैसे हमने जो देखा था, जिसको हमने वो करवा दिया, केवल डाउनलोड करवा दिया ये ऐप, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। हाँ। का ऐप डाउनलोड करवा दिया। अब लोग कहेंगे कि भाई हमारे पे वो, जब दोबारा उससे मिलेंगे तो वो जी बोलेगा क्या देखा तुमने, कुछ किया इसमें? अरे वो कुछ नहीं कर पाया जी, वो 50 प्रकार का बहाना करेगा, कुछ करेगा नहीं। मतलब एक नहीं, रिश्तेदार जो नजदीक से नजदीक का आदमी है वो हंस के टाल देगा, वो करेगा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या माना जाए कि अभी हमारे पाप का घड़ा भरा नहीं है, हमें इसी दुष्ट व्यवस्था में खुद को भी जीना है और अपने बच्चों को जीने के लिए विवश करना है। ये निष्कर्ष निकाल के अपनी जो बात है उसे ग्रंथ में कन्वर्ट कर दी जाए और लोगों को उनके भरो भाग पर छोड़ दिया जाए। नहीं, ग्रंथ में तो न कन्वर्ट कर दी जाए सर, क्योंकि अगर मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो महापुरुष हैं सर, अब क्या कहें, आप लोग की जैसी अगर सोच ना होती ऐसी तो देश चलता कैसे? गांधी जी अगर ये सोचते तो देश स्वतंत्र कैसे होता? तो अब सोचना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे इंसान मानेगा? अब जी हम आए, इस तरह की बात तो नहीं है सर कि हम इसको सोचें कि कैसे वो मानेगा इंसान। हम नहीं, तो ये इंसान तो अपने लाभ की, अपने स्वार्थ की बात सोचता है, राइट? बिल्कुल सर, और आप उसी के लाभ और उसी के स्वार्थ की बात कह रहे हैं, तो केवल ये दिखाना है कि तो इससे आपकी स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी और आपका कुछ खर्च नहीं होगा। आप ठीक बोल रहे हैं, उसे स्वार्थ पूरा होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि इस व्यवस्था में उसका स्वार्थ पूरा कल भी होगा और आज भी होगा। जैसे अज्यूम करिए, यदि लोगों को जोड़कर यही होता है और ये बारन तामील नहीं होता है और एक वीडियो बना के भेजा जाता है जिसमें सभी लोग मांग करते हैं कि साहब ये क्यों तामील नहीं हुआ है और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो जी संभवतः जब इतना दबाव होगा और वो दबाव मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर भी होगा। सर, 181 पे एक बार शिकायत की थी, हाँ। हम इसी का उदाहरण दे रहे हैं आपको। 181 पे शिकायत की थी तो यहाँ जो 3 3 साल करे लगभग, तो यहाँ जाने कौन था, कोई TI, तो हम बालक से कहा था कि 181 पे शिकायत कर दो। 181 पे शिकायत, लेकिन ये हुआ कि शिकायत वापस लेना पड़ी। अच्छा। हाँ, अगर शिकायत वापस नहीं लेती तो ये बात फाइनल है कि वो संबंधित TIT कमर का इनके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई करता, उल्टी सीधी कर देते हैं सर, करता नहीं कर देता वो, मतलब ये बात फाइनल है। मजबूरी नहीं तो फिर सवाल वही उठता है कि हम किसके देश में जी रहे हैं? क्या ये हमारा देश है और क्या यहाँ की नियम कानून और व्यवस्था आम नागरिक के लिए है या आम नागरिक के शोषण दोहन और उसको उत्पीड़ित करने के लिए है जो ओरिजिनल मंशा अंग्रेजों की थी? बिल्कुल, अंग्रेजों से भी सर ज्यादा स्थिति खराब है, सत्य बात यही है। जैसे हम कम से कम आपसे कोई बात कह तो सकते सर, इतना सहारा हमारे लिए तो है कि हमें अगर कोई परेशानी तो हम आप तक पहुंच के हम अपनी बात सुना देते, कि हर आदमी के पास थोड़ी ये साधन होता कि कोई किसी को सुनाने वाला, कोई सुना सुनने वाला भी हो, किसी के पास तो सुनने वाला भी नहीं होता। तो वो तो पुलिस के खिलाफ 181 भी हम तो हिम्मत ही की कि शिकायत कर दी, लेकिन कोई शिकायत करता भी नहीं, हिम्मत ही नहीं करता कोई करने की। सत्य बात तो यही है सर, कुछ भी करेंगे, जो उनके मन में आए वो करते हैं। तो ये हमारी हम सोच जो है ये सोच में ही रह जाएगी या देश के लोग जागेंगे और ये महापरिवर्तन में कन्वर्ट होगी? जी सर, जो मतलब अपना जो अपन जो माध्यम बनाए हैं, जो हाँ ये इसका फोन के इस मीडिया, ये इसका हाँ जैसे ऐप पे अपन डाल देते, यूट्यूब पर डाल देते, तो हाँ इसके लिए सर जैसे ये चैनल वाले हैं,
अल्लाह भाई को केवल एक हफ्ते में इतना ज्यादा उसको फेमस कर दिया था अन्ना हजारे को देश में, कि बिल्कुल शुद्ध महात्मा गांधी से ऊपर उठा दिया था उसको हाँ, मीडिया वालों ने। तो ओके, हाँ अब जी मीडिया वाले जैसे आपके पास कम आएंगे, उनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं है। अब अन्ना हजारे के पास तो वो जेसू चाहे होंगे कुछ ना कुछ, कि आज नहीं तो कल ये राजनीतिक आदमी में कल हमको कहीं से ना कहीं से प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष फायदा मिलेगा। आपसे तो ना कहीं दिखाई नहीं देता कि आपसे हमें कहीं से परोक्ष दूसरे हिसाब से कहीं से हमें फायदा होगा, तो ये सब जानते हैं, हरा भी इनका जानता है। देश मिल जाएगा, ये फायदा पर्याप्त नहीं है क्या? नहीं हमें बहुत अपने बड़ी बात, लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत मिल जाएगा, ये सोच पर्याप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। ये बात आपकी, हमने सर आपसे निवेदन किया कि ये आपकी बहुत बड़ी सोच है, और जैसे अब गांधी जी अगर ये सोचते तो आज देश स्वतंत्र भी तो नहीं होता सर, अगर वो ऐसा सोचते नहीं थे। तो गांधी जी ने का मतलब बहुत लोगों ने सोचा, और सोचा तब आज स्वतंत्रता मिली, लेकिन उस सोच के आदमी अब हैं कहाँ। अब तो केवल सोच के हैं कि हमारा व्यक्तिगत काम, व्यक्तिगत मकान में हमारे में एक कमरा कैसे भर जाएगा, एक ही सोच है आदमी की, दूसरी कुछ है ही नहीं। तो जो हमारा चिंतन है उसे खत्म कर दिया जाए कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो चिंतन उचित नहीं है। अभी भारत, अभी जो है लोगों को और यातना भोगना उनके पाप के कारण अभी है, तो उन्हें उनके सहारे उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाए, क्या ये सोच अपना ली जाए? ये सोच तो खैर अब हम हमारे विचार से सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ी बात है और देश हित की बात है। और हमें देश हित नहीं सर, सख्त बात तो ये है कि ये तो एक देश हित नहीं, इसको तो अगर विश्व हित कहना भी मतलब कोई पर्याय नहीं है इसका। विश्व हित भी हो सकता है, देश हित तो हो ही सकता है, लेकिन भविष्य में विश्व हित भी हो सकता है इन सब बातों से। लेकिन इतनी ईमानदारी नेतों को चलना, ये बात तो संभव नहीं है सर। नेतों को इन सब बातों पे चलना संभव ही नहीं है, मतलब ये देखिए, नेता आपके कौन हैं जिन्हें जाति और धर्म के आधार पर, बेनेविलिटी के आधार पर चुना गया जी और उनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स नहीं हैं? तो ये नेता आपके हित में जब ही सोचेंगे जब आप उनको विवश करने की स्थिति में होंगे। और जो ये पूरा मॉडल है वो दो स्थितियों के लिए है, हाथ मजबूत करने के लिए है और बेबस करने के लिए भी है। जी। तो चलिए इस चिंतन को, 2027 में सर जैसे मान लो विधानसभा का छोटे छोटी से मतलब अपन ने इसको जैसे जैसे नरेंद्र मोदी से अगर कोई नरेंद्र मोदी जी हैं या जैसे मान लो जी अमित शाह जी हैं, इनसे कोई डायरेक्ट लिंक बना के वो आप इनसे थोड़ी चर्चा हो, और ये धीरे धीरे आपको आपकी बात माने, कुछ माने ज़्यादा ना माने 10% माने, जब उनको फायदा लगेगा तो 10 से 20 बढ़ाएंगे, 15 बढ़ाएंगे, 25 बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएं। अपना तो डायरेक्ट बढ़ा पाना तो बहुत मुश्किल की बात है सर, इसलिए कि ना तो अपने पास धन है इतना कि अपन इन्वेस्टमेंट उसका कहीं फालतू खर्चा करें। आपने पूरे जीवन भर हमेशा ईमानदारी से काम किए हैं, तो अब जिनके पास फालतू धन होता है, जैसे अपन वहाँ गार्डन में गए थे सर, तो वहाँ कम से कम 200-300 लोग तो थे लगभग, तो 300 लोग बनियान पहने थे, तो 300 लोग बनियान भी आप मान लो तो 1 लाख रुपए की होती, अगर सस्ती होगी 400 रुपए की भी बनियान होगी, इससे कम नहीं होगी, छपी हुई ठीक ठाक बनियान थी तो 400 रुपए की थी, तो मतलब वो तो वहाँ 1 लाख रुपए की आदमी खड़ी थी, केवल बनियान पहने थे वो। अब ऐसी कितनी जगह बनियाने पहने होंगे लोग आप,
काय काय में पैसा खर्च हुआ होगा, मतलब एक सांसद का हमारे विचार से एक सांसद को बनने में 5 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं करता वो, कम से कम मिनिमम 5 करोड़। हर बूथ पे आपने देखा होगा सर कि हर बूथ पे उनका वो टेंट लगाते, तो वहाँ उनके छः छः आठ आठ आदमी एक टेंट पे रहते, तो उन टेंटों पे सब टेंट में जितने लोग रहते उन टेंट वालों को पैसे देते वो लोग 5-5 हजार रुपया सब टेंट वालों को, जितने रहेंगे वहाँ 2 हजार वाला कोई 5 हजार वाला उसको सबको पैसे मिलते हैं। और फिर वो सारी व्यवस्थाएं करते वहाँ पैसियाँ, केवल पैसियाँ देने के लिए बहुत लंबा चौड़ा पैसा खर्च करते सर जी लोग। वो चुनाव आयोग को नहीं बता देंगे, चुनाव आयोग को बताएंगे कि हमारा 25 लाख 50 लाख खर्च हुआ, और करेंगे 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक खर्च, ये स्थिति है। अब अपन लोगों के पास 10 करोड़ तो आप कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमारे आपके पास अपन लोग कहाँ से खर्च करेंगे इतना पैसा? एक ही सांसद के लिए पैसा नहीं है, देश के लिए कितना पैसा कहाँ से? अब आपकी सोच तो सर ये है कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें 10 रुपये भी खर्च नहीं होना है, और तो पूरे देश का भला होगा। लेकिन खोल के आदमी देखे, उसमें देखने के बाद तो उसमें कुछ लिखे, एक एक के बाद दो जो आप बता रहे इसी तरीके से लिखें, तो एक 8 दिन में पूरे पूरे देश को पता लग जाएगा हर चीज़ का। लेकिन कोई देखे हो आगे तो बढ़ाए उसको, तब आगे नहीं बढ़ाता कोई, समस्या चलिए, इस बात की। देशवासियों के नाम कुछ संदेश देना है आपको। अब संदेश तो अब आप जैसे महापुरुषों जहाँ काम कर रहे हैं सर देश के लिए और देशवासियों के लिए, हम तो एक छोटे से टीचर हैं सर, हम तो अगर संदेश देंगे तो हम तो सबसे ये हाथ जोड़ के विनय और अनुरोध सभी देशवासियों से करेंगे कि आपके जो है करोड़ों हाथ बढ़ाएं सब, आपके काम को बढ़ाने के लिए करोड़ों हाथ बढ़ाएं, जिससे देश का और पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर।